आइए इस पर बात करते हैं कि स्कूल्स में जो स्ट्रेटिक प्लानिंग होती है उसका के के साथ क्या ताल्लुक है यह के किस तरह से स्ट्रैटिक प्लानिंग का जो अमल है उसको एनहेंस कर सकता है तो आइए देखते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग इन स्कूल्स स्ट्रैटिक प्लानिंग हेल्प स्कूल्स टू सर्वाइव इन टर्बुलेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट बाय कोपिंग विद द बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मार्केट फोर्सेस कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी चेंजेस आ रही हैं मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है और वहाँ की डिमांड्स भी बढ़ती चली जा रही हैं तो उससे कोप करने के लिए स्कूल्स uh, को स्ट्रेटजिक प्लानिंग करनी पड़ती है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग ब्लू प्रिंट फॉर स्कूल लीडर्स एंड टीचर्स टू एड्रेस करिकुलम रिफॉर्म एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग पॉलिसी एक करीकलम पर बात करनी हो या लाइफ लॉन्ग लर्निंग की पॉलिसी बनानी हो तो इस काम के लिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो एक ब्लू प्रिंट जो है वो प्रोवाइड करती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग कैन आल्सो फैसिलिटेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स बाय स्कैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड रिव्यूइंग इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टू प्रायोरिटाइज एक्शन प्लानिंग जो स्कूल के बाहर का एनवायरनमेंट है जो स्कूल का कॉन्टेक्स्ट है उसे भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग देखती है और स्कूल की अपने अंदर की जो उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स होती हैं उसे भी देखती है और इसकी रोशनी में जो है वो स्कूल का जो काम है उसको सस्टेनेबल बनाने में अपना रोल प्ले करती है विदाउट इफेक्टिव प्लानिंग स्कूल्स टारगेट कैन नॉट बी अचीव्ड एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी इम्प्रूव के स्कूल के जो टारगेट्स हैं बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता टारगेट्स को अचीव नहीं किया जा सकता स्ट्रेटजिक प्लानिंग उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है दिस कैन लीड टू अ हाई रिस्क ऑफ फेलियर फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड इन टर्न अ वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स एजुकेशन रिफॉर्म्स जो उसके अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं उसके गोल को अचीव करने के लिए और गवर्नमेंट के जो रिसोर्स उस पर खर्च हुए हैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या है इसमें होता क्या है इसमें सबसे पहले स्कैनिंग होती है स्कैनिंग और असेसमेंट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में क्या है स्कूल के अंदर क्या है उसकी पूरी उसकी स्कैनिंग स्कैनिंग का यहाँ मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन जमा की जाती है और उसको एनालाइज़ किया जाता है एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन एंड डाटा कलेक्टेड कि जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया उसका एनालिस हुआ और अनैसिस के बाद अगला जो काम है वो है फॉर्मुलेटिंग अ प्लान टू टैकल द इम्पैक्ट जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इशूज़ सामने आ रहे हैं जो प्रेशर्स आ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए उनको कोकअप उनको उनको कोप करने के लिए आप आप एक प्लान तैयार करते हैं इस तरह से ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है स्ट्रैटिक uh, प्लानिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं स्कूल लीडर्स एंड टीचर्स कैन आर्टिकुलेट इंस्टीट्यूशनल गोल्स एंड प्रायोरिटीज जो स्कूल के लीडरशिप है जो हायर मैनेजमेंट है और जो टीचर्स हैं वो स्कूल के जो गोल्स हैं जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं जो उसका विजन और मिशन है उसको वो डिस्क्राइब करते हैं एक दफ़ा बैठ के सोचते हैं कि ये क्या होगा स्कूल लीडर्स कैन कोऑर्डिनेट एंड रीऑर्गनाइज डिफरेंट डिसीजन विद इन स्कूल्स कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने जो डिसीजनस हैं उनको रीआर्गनाइज करते हैं दे कैन डील विद दैन इंक्रीजिंगली टर्बुलेंट एनवायरनमेंट एंड द चैलेंज फेस्ड बाय द स्कूल्स कि जिस तरह के भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आज के दौर में एक बहुत बड़ा इशू जो है वो इकानोमी का है इकानमी के अलावा भी कल्चरल चेंजेस आ रही हैं तो स्कूल के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं तो उनको वो अच्छे तरीके से डील कर सकती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग की मदद से एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजिक प्लान में क्या होना चाहिए एन इफेक्टिव स्ट्रेटजिक प्लान शुड बी कम्प्रीहेंसिव वाइड रेंजिंग एंड कम्बाइंड वेरियस स्कूल एक्टिविटीज़ विच वुड देन बी कम्पाइल्ड इन टू अ डॉक्यूमेंट कि जो कुछ सामने नजर आ रहा है उसको फिर एक डॉक्यूमेंट में लाया जाए इन्शोरिंग दैट द एक्शन इन द प्लान आर वेल कोआर्डिनेटेड अच्छे तरीके से कोआर्डिनेशन के साथ उसमें एक्शन जो हैं वो डिसाइड किया जाएँ स्ट्रैटिक प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू द स्कूल विजन के स्कूल ने जो आगे बढ़ना है अपने विजन को सामने रखते हुए उससे रिलेटेड होना चाहिए उस पर बेस कर के बनना चाहिए स्टाफ uh, जो होता है किसी भी स्कूल का या इदारे का उसका स्ट्रैटिक प्लानिंग में क्या रोल होता है इफ़ेक्टिव स्ट्रैटिक प्लानिंग फॉमुलेशन डिपेंडस ऑन द कलेक्टिव विजडम ऑफ स्टाफ एंड द नॉलेज शेयरिंग कल्चर कि अगर स्टाफ को इन्वॉल्व किया जाएगा तो अच्छे तरीके से एक इफेक्टिव जो है वो स्ट्रेटजिक प्लान बनेगा स्टाफ कैन कोऑर्डिनेट स्टाफ कैन कंट्रीब्यूट मोर टू स्कूल डेवलपमेंट इफ दे आर फेमिलियर विद द स्कूल सिचुएशन थ्रू इन्वॉलमेंट इन प्लानिंग इस को अगर इन्वॉल्व किया जाएगा प्लानिंग में तो वो अच्छे तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं uh, के एम का क्या तल्लुक है स्कूल की स्ट्रेटजिक प्लानिंग के साथ इफेक्टिव स्ट्रेटजिक प्लानिंग कैन बी स्ट्रीम लाइन बाई नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज सो एज टू लीवरेज नॉलेज रिसोर्स फॉर गेनिंग कम्पटिव एडवांटेज। अगर आप मार्केट में आगे रहना चाहते हैं तो आपको नॉलेज मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करना होगा और इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप नॉलेज के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे अप्लाइंग केम इन स्कूल्स मे हेल्प दैम टू इम्प्रूव देयर प्लानिंग कैपेबिलिटीज उसके स्कूल की जो प्लानिंग की कैपेबिलिटी है अगर नॉलेज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो वो कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी कॉमन रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग आर इन एडिकुएट स्टाफ पार्टिसपेशन इन प्लानिंग एंड वेदर एक्सेस टू रिलाईबल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल कि स्टाफ को अच्छे तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया जाता जिसका नतीजा क्या होता है कि एक इफेक्टिव स्ट्रैटिक प्लान नहीं बनता डेटा और इन्फॉर्मेशन को सही तरह से रिकॉर्ड नहीं किया जाता अ पॉसिबल सोल्यूशन वुड बी टू इनहस टीचर पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट कि टीचर्स की जो पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट है पी के एम उसको भी इम्प्रूव किया जाए एंड टू इंस्टीट्यूशनलाइज द के सिस्टम फॉर डेटा माइनिंग एंड नॉलेज शेयरिंग कि डेटा माइनिंग और नॉलेज शेयरिंग का कल्चर बनाने के लिए उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए और नॉलेज मैनेजमेंट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए एक स्टडी हमारे सामने आई जो शेंग एक ऑथर है उसने की उसने उसने किस तरह से जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट को रिलेट किया स्ट्रेटजिक प्लानिंग के साथ दो हज़ार तेरह में इन्होंने सर्वे किया कोई बीस प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में एक हज़ार के करीब टीचर्स को और उसका डाटा जो सामने आया उससे क्या पता चला टीचर्स एग्रीड दैट अप्लाइंग कैंप इन स्कूल्स कैन इम्प्रूव स्ट्रेटजिक प्लानिंग कैपेसिटी टीचर्स ने एग्री किया कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है मैनेजमेंट देर टीचिंग कॉम्पिटेंसीज स्टूडेंट सपोर्ट एंड असमेंट फॉर लर्निंग इन सारे कामों में नॉलेज मैनेजमेंट हेल्पफुल हो सकता है नॉलेज मैनेजमेंट विजन शेयरिंग कल्चर एंड आई टी स्पोर्ट वर आइडेंटिफाइड एज़ प्रडिक्टिव फैक्टर्स फॉर स्ट्रेटजिक प्लानिंग कैपेसिटी कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग की जो कैपेसिटी है टीचर्स में उसमें इजाफा करती हैं ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये तीन जो वेरिएबल्स हैं जिसमें के uh, एम का विज़न है और नॉलेज शेयरिंग का कल्चर है और आईटी की सपोर्ट है और शंक की स्टडी हमें यह भी बताती है कि टीचर्स एग्रीड दैट अप्लाइंग नॉलेज मैनेजमेंट कैन एनहेंस द स्कूल्स मैनेजमेंट एफिकेसी इज़ यूजफुल फॉर एनालाइजिंग डाटा ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस इन अदर एरियाज़ एंड फॉर द स्कूल डेवलपमेंट एज अ होल के जो बच्चों की या स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसमें भी के एम की प्रैक्टिस इजाफा करती हैं और स्कूल की जो मैनेजमेंट है एज ए होल भी नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिस का फ़ायदा होता है ये जो शेंक की स्टडी है उसने एक मॉडल की शक्ल में हमारे सामने रखा 2013 की स्टडी इसमें अब देखिए ये एरियाज़ हैं जैसे मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के एरिया है जैसे टीचिंग एंड लर्निंग के एरिया है जैसे स्टूडेंट सपोर्ट का एरिया है जैसे स्टूडेंट अचीवमेंट के एरिया है इन सब पर जो है वो डाटा क्रिएट होता है डाटा आगे जाके प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है इंफॉमेसन आगे जाके नॉलेज में कन्वर्ट होती है और ये नॉलेज की क्रिएशन का अमल अमल जारी है और डेटा माइनिंग जो है वो यहाँ पे इन सिस्टम्स में से हो रही है इनसे डाटा उठा के उसको नॉलेज में कन्वर्ट किया जाता है और वो नॉलेज आगे जा के फिर स्ट्रेटजिक प्लानिंग में काम आता है तो इस तरह से जो स्कूल की स्ट्रेटजिक प्लानिंग है उसमें जो नॉलेज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो नॉलेज मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं वो एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं